ईद का त्यौहार करीब है, ऐसे में सिवई की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के दिलीप सिवई के गोदाम में। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर सिवई रखी गई है। सिवई बनाने वाले जो कारीगर हैं यहाँ पर ये सिवई बना रहे हैं। दिलीप सिवई का तो क्या कहना है, ये तो मतलब इंडिया के आउट ऑफ इंडिया भी बहुत फेमस है, जैसे अब श्रीलंका बांग्लादेश तो ये वहाँ भी चल रही है इतने टाइम। ईद का त्योहार हो और सिवई की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बीते 2 सालों से कोरोना की चपेट में आए सभी त्योहारों में रौनक फीकी थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण कम होने की वजह से सिवई की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। ईद से पहले ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के नाम से मशहूर प्रयागराज के दिलीप सिवई की मांग बढ़ गई है। दिलीप सिवई की डिमांड देश के कई राज्यों के साथ विदेशों में भी होती है। दिलीप सिवई के मालिक मोहम्मद तौफिक का कहना है कि इस बार सिवई की डिमांड बहुत ज्यादा है। हालांकि पिछले 2 साल कोरोना काल में बिक्री कम थी, लेकिन इस साल लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज से ठीक 45 साल पहले मोहम्मद तौफिक के दादा मोहम्मद हनीफ ने 70 के दशक में दिलीप सिवई की फैक्ट्री लगाई और इनके दादा मोहम्मद हनीफ दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे, जिनकी वजह से इन्होंने अपनी सिवई का नाम दिलीप सिवई रख दिया। उसी के कुछ साल के बाद मोहम्मद हनीफ मुंबई गए और अपनी फैक्ट्री के दिलीप सिवई ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को दी। 2 साल से कोरोना की वजह से सिवई की डिमांड थोड़ी कम थी और कोरोना की वजह से लोगों ने फेस्टिवल नहीं मनाया कुछ। इस साल लॉकडाउन नहीं होने की वजह से और सब चीज़ प्रॉपर खुलने की वजह से इस साल डिमांड ज़्यादा है और पूरी की जा रही है सिवई सबको, और इस वजह से डिमांड कुछ ज़्यादा है दिलीप सिवई की। खासियत इसकी है कि अपने गंगा जमुना क्या पानी की वजह से बनती है और इसकी मिठास कुछ अलग है। सेवैयाँ तो बनारस और दिल्ली में भी बनती है, पर जो यहाँ का पानी का टेस्ट है वो और कोई सेवई में नहीं आ पाता है जो टेस्ट है इसका। कहाँ कहाँ तक जाती है ये सेवई? अपनी बनारस, दिल्ली, कोलकाता, गुजरात सब जाना जाती है। विदेशों में भी? विदेशों में ये दुबई, कतर जैसे लोग आते हैं जिनकी फैमिलियाँ, बच्चे या कुछ जॉब कर रहे हैं तो वो जाती है। अच्छा, और दिलीप नाम इसका 40-45 साल पहले हमारे दादा ने रखा था। दिलीप कुमार के नाम से प्रभावित होकर उन्होंने अपने ब्रांड का नाम दिलीप कुमार रखा, और दिलीप कुमार साहब हमारे बीच नहीं रहे, पर उनका नाम जब तक हम लोगों की सिवई है उनका नाम हम लोग के चला कोशिश। दिलीप कुमार साहब ने सिवई खाकर सिवई की जमकर तारीफ की। दिलीप सिवई की डिमांड सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में है। लोग दूर दूर से इस सिवई को खरीदने के लिए आते हैं और इसके स्वाद की जमकर तारीफ करते हैं। लेके जा रहे हैं। और दिलीप सिवई का तो क्या कहना है, ये तो मतलब इंडिया के आउट ऑफ इंडिया भी बहुत फेमस है, जैसे अब श्रीलंका बांग्लादेश तो ये वहाँ भी चल रही है इतने टाइम। दिलीप कुमार के नाम से है? जी, दिलीप कुमार के नाम से तो है ही है ये, मतलब बेसिकली दिलीप कुमार के नाम से स्टार्ट हुई थी। जब ये स्टार्ट इनके दादा ने प्रोसेस किया था एग्जैक्टली, तो हम लोग तो मतलब दादा वादा के टाइम से ही तब से ही खा रहे, तो ये घर परिवार का ये चलता चला आ रहा है। मतलब जो होता है दिलीप ही बनना है, ऐसे तो मार्केट में बहुत सी सिवई हैं, लेकिन जो आप कह सकते हैं एग्जैक्टली जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है वो तो दिलीप सिवई है। ईद का त्यौहार करीब है, ऐसे में सिवई की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के दिलीप सिवई के गोदाम में। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर सिवई रखी गई हैं, और बेहद कम समय का वक्त रह गया है ईद में, ऐसे में तैयारियाँ जो हैं सिवई को लेकर के वो तेज़ हैं। रात दिन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, साथ ही साथ यहाँ पर पुरुष हैं, सभी लोग यहाँ पर सिवई बना रहे हैं। हमारे ठीक बगल में भी आप देख सकते हैं कि रैक्स में ये जो सिवई हैं ये रखी गई हैं, ये महीन सिवई हैं। और अगर हम दिलीप सिवई की बात करें तो दिलीप सिवई काफ़ी मशहूर सिवई हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेश में भी ये सिवई जाती है। हालाँकि 2 साल तक कोरोना काल था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिक्री नहीं हुई थी, लेकिन जैसे कोरोना संक्रमण कम हुआ वैसे वैसे जो बिक्री है वो हो रही है। और आप हम आपको पीछे की भी तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये मशीन है जहाँ पर सिवई जो है वो बनती है। आप देख सकते हैं कि जो सिवई बनाने वाले जो कारीगर हैं यहाँ पर ये सिवई बना रहे हैं, और जो भी सिवई बनती है आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा गोडाउन है, सिवई यहाँ पर रखी हुई है और उसके बाद ये मार्केट में जाती है। हालांकि इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार जो है
थोड़े से जो रेट हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो बड़ी है पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से। जो यहाँ के मालिक हैं उनका कहना है कि पिछली बार के मुताबिक थोड़े से तो रेट ज़्यादा हैं, लेकिन लोग जो हैं पसंद कर रहे हैं, खरीदारी ज़्यादा हो रही है क्योंकि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, तो लोग जम करके दिलीप सिवई पसंद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिल रजा, पंजाब के सी टीवी प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।